गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही हो गए। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि आज मैंने ऊपर जो हमारे कमरा है ना, उसकी सफाई करवानी है। तो कल रात से ही मेरे दिमाग में था, मैंने राधा को पहले ही बोल दिया था कि राधा जल्दी आ जाना, मैं भी अपना काम सारा जल्दी से ख़त्म करके बैठूंगी। मैंने वाइट छोले बनाने हैं, मैं रोटी सब्जी सब बना लूंगी। ऊपर कमरा हमेशा सफाई करवाना, अलमारियों में इधर उधर में से अकेले होता नहीं है, सेटिंग करनी है। तो कम से कम 2 घंटे लगेंगे, तो आप मेरे साथ चलना। तो बस फटाफट मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ, पूजा पाठ कर लिया है, मैंने छोले भी बना लिए हैं, रोटी भी बना ली है, मैंने सारा काम कर लिया है। बस मैं पूजा की कह रही हूँ, राधा की वेट कर रही हूँ कि राधा आए और फटाफट मेरे साथ ऊपर चले। तो मैंने इनसे पूछा था कि क्या बनाऊँ, तो कहते ऐसे कर छोले बनाए तो छोले के साथ भई तू रोटी बना दे। तो अब चीना कह रही है मुझे कि मैं पूड़ियाँ खाऊँगी, तो मैंने इसके पापा को तो रोटी बना के दे दिया, अब चीना के लिए थोड़ी देर में पूड़ियाँ बना। रसोई का सारा काम हो चुका है, बर्तन वगैरह देखो गाइस कितने बर्तन हो जाते हैं सारे के सारे। राधा ने मांस दिए हैं और मैंने छोले देखो बना लिए। छोले भी गाइस देखो शक्ल के ही कितने टेस्टी लग रहे हैं, जैसे छोले भटूरे के साथ वो वाले छोले वो वाले हैं। तो मैंने इसकी रेसिपी भी मैंने आपको कई बार इस छोले की दी है। तो चीना को पूड़ियाँ खानी है, तो मैं लगी पूड़ियाँ बनाने। कन्नू कहता मैं भी खा लूँगा, चीना भी एक दो से ऊपर खाते नहीं है, बस उनको रोटी नहीं खानी है। तो छोले गाइस देखो बहुत टेस्टी बने, बहुत टेस्टी। बस पूरी बनके हमारी तैयार हो चुकी है, बिल्कुल गर्मा गर्म गोल गोल फूली हुई। बस मैं चीना तो देने जा रही हूँ, चीना अंदर खा रही है, तो मैंने कहा चल गरम गरम खा लेंगे। कन्नू को बोलती हूँ, कन्नू भी खा लेगा गरम गरम। ये तो रोटी खा चुके हैं, मैं भी रोटी खा चुकी हूँ। कल मैंने प्याज की सब्जी बनाई थी तो बहुत टेस्टी बनी थी, तो मैंने सोचा प्याज तो मैं ही खाती हूँ, ये ही खाते हैं, तो बच्चों के लिए मैं बनाती हूँ। तो मैंने पहले आलू भी फ्राई कर लिए, ये आलू फ्राई कर लिए, साथ में 7-8 प्याज थे यही फ्राई कर लिए अच्छे से। मैंने इसको मतलब कि सरसों के तेल में इसको मैंने तल लिया। अब इसमें डलेगा नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, अमचूर जरूर डलेगा, वो गाइस हो जाएंगे बिल्कुल। साथ में पानी का छीपा डालेंगे और इसको ढक देंगे, थोड़ा नरम हो जाएंगे गाइस, बहुत अच्छी टेस्टी बनती है। मैं इसमें करेले भी तल के डालती हूँ, मगर अब अगली बार बनाऊंगी तो करेले भी डालूंगी इसमें। आलू और प्याज की सब्जी बिल्कुल बनके तैयार हो चुकी है गाइस, देखो बिल्कुल घी अलग हो चुका है। मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, पानी डालने से ये हो जाता है कि जो आलू होते हैं प्याज होते हैं हार्ड होते हैं तो नरम हो जाते हैं। बस हम इसको ढक के रख देती हूँ। तो आप भी गाइस अपने घर में बनाएं और बच्चे आलू खा लेंगे अगर प्याज नहीं खाएंगे तो। क्या बनाया आपने खाने में? सुबह छोले बनाए थे, देखो पूरी बना के दी है। हाँ। अब मेरा दिल कर रहा था आलू, कल मैंने प्याज की सब्जी बनाई तूने खाई थी, टेस्टी बनी थी ना, तो आज मैंने उसमें आलू भी तल के डाल दिया, आलू प्याज बनाए। क्या फायदा, कल आपने प्याज बनाए थे, आज आपने आलू प्याज बना दिए। हाँ। अब आप कल बनाऊंगी आलू करेले प्याज। भाई नहीं, मैंने पता क्या सोचा, मैंने एक ना रील पे अमृतसरी पनीर भुर्जी देखी है, पता है जब मैं अमृतसर, हाँ मेरी बात सुनो, जब मैं अमृतसर में गई थी ना, हाँ, तो वहां पे ना बहुत फेमस है पनीर भुर्जी, बहुत फेमस, जिसमें बेसन भी डालते हैं, दूध भी डालते हैं, और मतलब बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे बेसन हो गया, दूध हो गया, हरी मिर्च हो गई, लहसुन हो गया, अदरक हो गया। आप तो लहसुन अदरक नहीं डालते है ना? प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन। तो मैं आपको, मैंने वो नहीं कभी डाला, दूध और बेसन तो कभी डाला, बेसन नहीं। तो गाइज मैं आज आपको एक अमृतसरी पनीर भुर्जी बना के दिखाती हूँ, बहुत बहुत फेमस है, और मतलब दूर दूर से लोग खाने आते हैं उसको। मतलब और... अब हम तीसरी सब्जी बनाए। हाँ चलो, फिर ऐसे कर पनीर लेके आ, फटाफट ऐसे कर, तू बुक कर, वो फोन कर जैप्टो। हाँ करती हूँ, फटाफट पनीर बना। और तो मैं करती हूँ जैप्टो बुक। मैं मंगवाती हूँ पनीर, और गाइस आप भी सीखना सीरियसली, बहुत बहुत टेस्टी, और जो अमृतसर के होंगे उनको सबको पता होगा। अगर तू तरीके से सिखाएगी तभी ना। हाँ हाँ मैं तरीके से सिखाऊंगी। और इसको बनाएंगे मक्खन में। हाँ मक्खन में ही। अच्छा मक्खन में बनती है। हाँ। मैं सोचा इस बार थोड़ा चेंज करते हैं, कई बार हम रिफाइंड में बनाते हैं, कई मक्खन मक्खन के क्यूब्स डालने हैं, देसी घी क्यूब्स डालो, चाहे वैसे काट लेते हैं ना उसको, तो क्या हो गया, ऐसे डाल दो मक्खन जैसे भी डाल। चलो मैं लेकर, मैं मंगवा रही हूँ, फिर बनाते हैं, ठीक है? चलो ठीक है, मंगा। अमृतसरी पनीर भुर्जी की रेसिपी हम स्टार्ट करने वाले। पनीर मैंने मंगवा लिया था, आज स्पेशल बना रही है चीना मैं। तो मैं आपको एक एक स्टेप करके, पहले मैं आपको सामान दिखाती हूँ, पहले सामान से क्या स्टार्ट होना है। ये जो मक्खन डालना है उनको मैंने क्यूब्स में कर लिया है, उसके बाद मक्खन के बाद डालना है बेसन, बेसन को मैंने रख दिया है, बेसन के बाद गार्लिक और ये सब डालना है, ये मैंने रख दिया। जब ये भुन जाएगा तो मैं फिर आपको बताऊंगी ये चाहिए हमें, ये चाहिए प्याज बोल, हमें प्याज, टमाटर, हरा धनिया जो हमने धो के रख दिया, दूध, बेसन, ये है हरी मिर्च, ये अदरक लहसुन, ये है अदरक लहसुन, और प्याज, प्याज चॉप चॉप कर दिए, और ये भी कर दिए। हाँ
पनीर को मैंने स्क्रम्बल कर दिया क्योंकि स्क्रम्बल वाला ही पनीर डलेगा, क्यूब्स में मजा नहीं आएगा। और ये है सारे मसाले और साथ में जीरा पाउडर। इसमें जगह नहीं थी गाइस जीरा पाउडर की, तो सारे मसाले हैं जिसमें ये कश्मीरी लाल मिर्च है, दूसरी लाल मिर्च है, धनिया है, मतलब कि जीरा है। जीरा नहीं डलेगा इसमें, हाँ, जीरा नहीं डलेगा, जीरे का पाउडर डलेगा। हाँ, जीरे का पाउडर डलेगा, हल्दी डलेगी, गरम मसाला डलेगा, नमक स्वाद अनुसार डलेगा। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। सब कुछ कर दिया है चीना ने, तो ये हमें बनाना है नॉन स्टिक कढ़ाई में। मैं बस गैस ऑन करने वाली हूँ। और मक्खन है तो ध्यान रखना कि हमेशा लो फ्लेम पे रखना, क्योंकि मक्खन सड़ जाता है बहुत जल्दी, तो सड़ के हम जब बेसन डालेंगे तो स्वाद नहीं आएगा, तो हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है इसको। गाइस चलते हैं इसको दिखाते हैं। मक्खन चीना ने डाल दिया है इसमें और ये हो रहा है, पिघल रहा है, तो मैं इसको हर जगह फैला देती हूँ। हर जगह इसको फैला देती है ये, जैसे ये थोड़ा पिघल जाएगा इसके ऊपर डालेगा। गाइस बिल्कुल चीना जैसी रेसिपी आप भी बनाए। देखिए मैं पहले खा के देखूं चीना की, फिर आपको बताऊंगी कि अच्छी बनी है या नहीं बनी। अच्छी ही बनी। हाँ ठीक है, तो इसमें डाल दे फटाफट तू बेसन। बेसन दो चम्मच डलेगा और हाँ सिर्फ दो चम्मच डलेगा, क्योंकि हमारा 300 ग्राम मतलब कि वो है पनीर है। तो अगर आप से कर लो, हाँ आधा किलो लाना हो तो आप 3 चम्मच 3.5 चम्मच भी डाल सकते हो। बेसन को अच्छे से भूनेंगे और गाइस इसको लगातार हिलाते रहे और थोड़ा सा जब ये ब्राउन हो जाएगा ना तो ही इसमें सब ताकि पक जाए। हाँ। आपको पता है जब बेसन पकने लग पड़ता है तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। हाँ। है जी ना, जब मैं हलवा बनाती हूँ बेसन का, चीना को कितना, गोलू को कितना पसंद है हलवा, है ना? गोलू को सब पसंद नहीं, हलवा बहुत पसंद था। ये देखो सारे बबल्स बन गए ना। हाँ। तो बस अब ये पक रहा है तो इसको थोड़ा थोड़ा सा इसका कलर चेंज होते, कलर चेंज होते ही मैं सोची साथ में इसके वो भी डाल दे अदरक लहसुन साथ ही साथ। अभी डाल दूं? हाँ अदरक लहसुन डाल दे साथ साथ, थोड़ा सा पकने का वेट करना। नहीं नहीं अदरक लहसुन डाल दे साथ साथ, ये भी पक जाएगा। तो ये देखो गाइस अदरक लहसुन दोनों हमने इकट्ठा कर दिया था, तो चीना ने अदरक लहसुन भी डाल दिया तो साथ और साथ के साथ ये दो हरी मिर्चें हैं। हाँ दो हरी मिर्चें आप बारीक कटी हुई आप डाल सकते हो, नहीं भी डाल सकते। कई बार बच्चे नहीं खाते पर चीना खाती है। हम तो खा लेते हैं, हमें मेरे को पसंद नहीं, मेरे को सिर्फ टेस्ट पसंद है, मैं निकाल देती हूँ हरी मिर्च ऐसे मुंह में। वाह 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 गाइस डाल के मुंह से निकाल देती है। आगे से डालूंगी नहीं, आगे से डालूंगी नहीं, पागल हूँ मैं, काटू हाथ खराब करूँ ऊपर से, फिर निकालती है। पकने दो थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ी स्मेल आने लगती है, अच्छी आ रही है ना, थोड़ा हल्का कर दे आपने, बिल्कुल टेस्ट था क्या? नहीं हल्का था, मैं कहा थोड़ा और हल्का कर दे, तो कम किया था। हाँ कोई बात नहीं, ना बनाने वाला बंदा बना रहा हो। फिर ये बोलते हैं फर्क तो पड़ता है। देखो गाइस जो बेसन है वो हल्का सा इसका भून गया है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें डालेगी चीना प्याज। हाँ चलो डालो बेटा, प्याज डालो सारा, हिला ले अच्छे से क्योंकि ऐसा ना हो नीचे से बेसन जल जाए। सिम पे है ना बेटा गैस? हाँ और साथ में डाल दे टमाटर, एक मिनट थोड़ा पहले इसको वो कर लेती हूँ। हाँ हिला ले, एक मिनट थोड़ा पहले ये मिल जाए। अब मैं डाल दूँ इसमें चॉप किए हुए टमाटर। वेरी गुड चीना, वेरी गुड वेरी गुड। आज के बाद तेरी ड्यूटी रोटी की सब्जी की, ऐसे भी तेरी शादी होने वाली है। हाँ। तो तेरी सास क्या कहेगी कि भाई इसको कुछ समझा के नहीं भेजा? मैं कहूंगी मैंने अमृतसरी भुर्जी बना दी है, रोज अपना यही खाओ। ठीक है अभी मामा मैं इसमें ना नमक साथ के साथ डाल रही हूँ थोड़ा सा। हाँ आगे लिया बेटे, वो लिया आगे यहाँ पर लिया, अभी सिर्फ नमक ही डाल। हाँ 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 हाथ से नहीं बेटे, ये देख ये रेरा चम्मच, ये रहा चम्मच अब डाल दिया। देख लो गाइस अब इसमें खाली अभी नमक डाला है। हाँ। ये देखो सारे मसाले हैं। तो नमक का अगर जब भी हम टमाटर डालते हैं ना तो हमेशा नमक डालना बहुत जरूरी होता है क्योंकि नमक बहुत जल्दी गलाता है टमाटर। हाँ। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ लाल मिर्च से। हम मैं इतनी ही डालूंगी गिरती गिरती बची हूँ गाइस। पहले लाल मिर्च। हाँ। धनिया पाउडर 2 चम्मच। हाँ 2 चम्मच। 1 चम्मच हल्दी। कश्मीरी लाल मिर्च जो रेड कलर देती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। चलो डालो जी, बहुत सारी डालो। और बेटा गरम मसाला हमेशा बाद में डलता है पता तुझे? वो मैं पता है मुझे, पर लोग तो साथ डाल देते। नहीं नहीं तू मत डाल, हम कुछ अलग करें ना हम भी। और ये जीरा
भुना हुआ, ओ सॉरी जीरा पिसा हुआ, ये भी एक चम्मच ही डाला मैंने। तो आप इसको हिला दे, मिक्स कर, हाँ इसको मिक्स करके, और गाइस थोड़ा सा पानी डाला क्योंकि टमाटर को, टमाटर और प्याज अच्छे से गल जाए। हाँ। और इसको अब तू थोड़ा सा सिम पे करके गैस को, हाँ इसको छोड़ दे। हाँ। जब ये गल जाएगा ना, ये देखो मम्मा देखो गाइस कैसे कलर आ जाता है। हाँ ये तो है, हल्दी डालो चाहे कश्मीरी लाल मिर्च डालो, कलर दोनों ही अच्छा देता है। इसमें कसूरी मेथी भी डालनी है ना, कसूरी मेथी भी डालनी है इसमें, मेथी नहीं मेथी, मेथी मेथी थोड़ी सी बस कश्मीरी मिर्च डाल के सारी खत्म कर दे, मगर लाल ही लाल हो, टेस्ट भी होना चाहिए। अब इसको ना बेटे हल्का ना हल्की आंच के ऊपर ढक्कन लगा दे इसको, वो देखो वो पड़ा ढक्कन धोया हुआ, ये हो गया वो ढक्कन, वो रहा हल्का सा तेज करके, तेज नहीं करना नहीं, हल्का सा ही, हाँ अच्छा अच्छा, तो इसको ढक दे। तो मिलते हैं गाइस हम आपको 5 मिनट बाद। हाँ ये देखो ये धनिया धो के रख दिया है, दूध भी रख दिया, दूध लास्ट में डालेंगे और ये भी डालेंगे, मैं कस्तूरी मेथी गरम मसाला भी, हाँ कस्तूरी मेथी और वो मैं गरम मसाला अभी निकाल के रखती हूँ। टमाटर प्याज का अदरक लहसुन का जो मसाला है गाइस बिल्कुल बन के देखो, आगे अदरक लहसुन इसको देख के लग रहा है कि सब्जी कितनी टेस्टी बनी होगी। चीना मैं बिना पनीर के ही खा लूं। अब मैं गाइस 300 ग्राम है ये, मैं और अच्छे से थोड़ा सा कर देती हूँ, वैसे तो हो गया था, डाल दे, मैं टुकड़े नहीं करने इसको, नहीं जैसे आप बनाते ना गाइस इतना टेस्टी होगा। मम्मा अगली बार जब पनीर की सब्जी जीजू के लिए भेजती है ना, ये भेजा करेगी, कोई बात नहीं ये वाली बना देंगे, बात तो अगली बार ये बनाऊंगी मैं जीजू के लिए। हाँ ठीक है बना दियो, गोलू पायल वगैरह सब तो ये मैंने जीजू के लिए बनाए, जीजू के लिए बनाई मैंने, अमृतसरी प्रेमी, चलो ये जीजू के लिए ही बनाई, बस जीजू है नहीं। हाँ कोई गाल नहीं, वो तेरा ब्लॉग देख लांगे, फोन कर दें, फोन कर दें कि मेरा ब्लॉग देख लियो। हाँ जी जी मैं तुसी ट्वाडे वास्ते सब्जी बनाई है, खा मैं रही हां बनाई ट्वाडे वास्ते, सालियां मैं यूट्यूबर दी, सालियां मैं यूट्यूबर दी। बिल्कुल गाइस देखो अच्छे से मिक्स हो गया है, मैं नॉन स्टिक में बनाया ना सही है, चिपकता नहीं है, नॉन स्टिक फ्राई पैन का ये है, मेरे पास कढ़ाई भी है, नॉन स्टिक फ्राई पैन भी नहीं है, और 3-4 है सही है वैसे, ये तो उसका है ब्लैक डायमंड की है, अच्छी है ब्लैक डायमंड का। अगर मेरी सास ये देख रही है तो अभी से रिश्ता भेज दे, हां मैं रेडी हूं, एंगेजमेंट कल ही कर देते हैं, कल ही कर दो मैं पनीर की सब्जी के साथ। हाँ। ठीक है ठीक है। तो गाइस अब ये अच्छे से हो चुका है मिक्सअप, मिक्स हो गया अच्छे से, और कर मैं इसमें डालूंगी दूध। दूध कितनी देर में डालना है जब ये सारा मिक्स हो जाए? नहीं हो गया बस डाल रही दूध, यानी कि मसाले में अच्छे से ये रम गया है, रम गया देखो सारा, देखो गाइस। और अगर तुम्हें थोड़ा बहुत मोटा कुछ लग रहा है तो, हाँ तो उसको उससे फ्राई पैन, हाँ सारे पंजाबी आज फेर सकते हो तुम नाल ही नाल, है ना भाई, कड़छी नाल फेर सकते हो। पापा कैसा लग रहा है देखने में? मुझे आवाज आई पापा के चप्पलों की, देखने में तो बड़ा टेस्टी लग रहा है, बाकी खा के खा के कहते पता चलेगा अब थोड़ा। क्या है फोन को क्या हुआ है? कुछ नहीं, गर्म थोड़ा है। अब डाल देंगे इसमें गाइस दूध, अब दूध को, दूध उबलेगा अब, तू ये देख दूध कम है या ज्यादा, थोड़ा और दूध दे दे है जी ना, ठीक है वो तो ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है, थोड़ा सा और डाल देते हैं, चलो गाइस थोड़ा सा दूध इसमें, क्रीमी हो जाए, हाँ इसमें थोड़ा सा दूध और डाल लेते हैं, मैं जरा फ्रिज में से दूध लेके आई गाइस, जरा रुकिए आप गाइस। सब्जी बिल्कुल बन के तैयार हो गई है, जो मक्खन है वो ऊपर आ चुका है, और अब हाँ 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 जैसे मेरी चीना प्यारी प्यारी है, वैसे गोल जी देख कितनी अच्छी सब्जी बनाई है, चीना ने स्पेशल मुझे बुलाया है, वैसे स्पेशल मुझे बुलाया है चीना के लिए, और कई चाचू सब्जी देख, ये डाली है इसने कस्तूरी मेथी, पूरी रंगत आ गई है, पूरी रंगत है देखिए, रेड सब्जी में पूरी प्रॉपर, और लगता है इसको अमृतसर भेज के वहीं पर ये काम शुरू कर दे। अब गोल्डी चाचू ने मेरे को बोल रहे हैं कि ना प्लेटिंग करो, मैंने कहा रुको आए हो तो प्लेटिंग करके जाओ, तो गाइस इसकी ना ब्रेड के साथ प्लेटिंग करते हैं बढ़िया सी, मस्त वाली प्लेटिंग। अब इसमें डाल दे धनिया, मैंने निचोड़ा हुआ है सारा पानी, निचोड़ दिया, धनिया डाल दे, धनिया के साथ ही रौनक आती है सब्जी की, रौनक हमेशा फ्लेवर आएगी, फ्रेशनेस आएगी, पूरी प्रॉपर फ्रेशनेस आएगी। हाँ देखने में कितनी टेस्टी, कितनी टेस्टी, अभी सारी रल जाएगी ना। वाकई गाइस आप भी अपने घर ऐसे जरूर बनाए, और चीना को देख के तो खास कर बनाए। अब अगली बार चीजों को हम यही सब्जी भेजेंगे, कह रही है मैं संदीप के लिए यही बना के भेजूंगी, मैं कहा ठीक है, मैं कहा संदीप कहीं भी हो चीना की रेसिपी जरूर देखना, ठीक है ना भाई, ठीक है। चलो अब डालते हैं इसमें लास्ट चीज बची है, लास्ट चीज बची है इसमें गरम मसाला, थोड़ा सा चीना ना डाल, गरम मसाला हल्का सा डालियो, फिर हल्का सा
रहने दे, चल डाल दे, हल्का सा डाल दे, हल्का सा, हल्का सा स्प्रिंग, हल्का सा डाल दे, क्योंकि मैं कहा तेज ना हो जाए, इसलिए कह रही हूँ। गाइस आप डाल सकते हो, अगर आपके घर में तेज खाते हैं तो आप डाल सकते हो, तो हल्का सा ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं। ग्रीन चिली डाल, दो डाली है, तभी तो तीखी हो गई, तभी लग रही है। मैं कहा तीखा ना हो जाए, मजा आ रहा है, इसको मजा आ रहा है। चलो आगे से तू ही खाना बनाएगी, ठीक है? बनाने मेरी मम्मी, लाल मिर्च, हरी मिर्च। चलो अब करते हैं हम इसकी प्लेटिंग, और गैस कर दे ऑफ। मैंने प्लेटिंग कर दी है, बाकी मैंने चाचू से सीख लिया। चाचू ने इसके ऊपर दो एक ब्रेड पीस को काट कर देगी मिर्च को स्प्रिंकल कर दिया, और ये टमाटर रख दिया। तो गाइस बढ़िया सी प्लेटिंग करनी है। चाचू ने बोला था हरा धनिया बचा, हमने कहा हाँ बचा, एक बचा, एक पत्ता हमने रख दिया। देखो गाइस, देखो मैंने देवर का कहना माना है, नजर बट्टू। हाँ मतलब ये है कि चीज एक बार छीने, एक बार टेस्ट करो। टेस्ट तो पहला टेस्ट गोल्डी अच्छी, हाँ सही बात है, खा के हमारे शेफ जी टेस्ट करके बताएंगे। गोल्डी तो बहुत अच्छी सब्जी बनाता है, अच्छी बनी प्रॉपर। असल में बेसन का टेस्ट भी आ गया ना गोल्डी, सब चीजें आ गए, और दूध भी, दूध बेसन भून गया, दूध है बिल्कुल, जैसे बेसन के हल्की सी स्मेल आती है ना, मतलब लड्डू भुने हुए बेसन की लड्डू बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसी चीज आ रही है इसके अंदर, और फ्लेवर बड़ा शानदार है। मुझे भी खिला रही है गाइस, दिल्ली में मिल गया अमृतसरी स्वाद, इसने दे दिया बढ़िया सा, बेसन का आ रहा है बिल्कुल। अमृतसर में बिल्कुल ऐसी डिश बनती है, फर्स्ट क्लास बनी है, और इसको ब्रेड के साथ खाना सबसे बढ़िया टेस्ट आएगा, ब्रेड के साथ, और रोटी के साथ आपके खाओ, आपकी मर्जी, परांठे के साथ खाओ। बाबू जी सेकंड नंबर पे परांठा है, थर्ड नंबर पे रोटी है, रोटी के साथ है, कुलचे के साथ कह रही है, कुलचे के साथ नहीं, ब्रेड कुलचे के साथ कह रही है। हाँ कुलचे के साथ भी, देखा नहीं जो बाजार में स्टफ कुलचा मिलता है, स्टफ कुलचा मिलता है, यही तो होता है, स्टफ कुलचा वही होता है, मिर्ची लग गई, इसका फ्लेवर बड़ा शानदार है, थक गई बना के, थक गई है गाइस बना के। थोड़ा भाभी देखो इतनी गर्मी है, 42 टेम्परेचर है किचन में, लग रहा है बनाती नहीं है ना, धीरे धीरे सीख जाएगी। चलो चीना, थैंक यू, बार बार बोलनी जरूरी है क्या, बार बार बोलनी जरूरी है क्या, रहेगी सीख जाएगी, नहीं आदत तो डालनी पड़ेगी बेटे, हर चीज की, हर चीज की हैबिट चाहिए। चलो गाइज आप भी अपने घर में ऐसे बनाएं, और बना के मुझे कमेंट करके जरूर बनाएं, बताएं कि आपको ये सब्जी, चीना ने ये सब्जी कैसी बनी। बस आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, अच्छे अच्छे कमेंट करो। आज चीना और मैंने पनीर की जो भुर्जी की रेसिपी दी है अमृतसरी, तो आपको कैसी लगी है गाइज आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको हम दोनों की जोड़ी अच्छी लगी हो, क्योंकि हमने आज मतलब की रेसिपी भी दी है और हंसी मजाक भी किया है बीच में अच्छे सी, अगर आपको हमारी जोड़ी पसंद आई हो तो हमें बताना, हम दोबारा फिर आपको कुछ अच्छी अच्छी नई नई रेसिपीज देंगे, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से, जो कि आप घर में बना सको, कोई ऐसा सामान ना हो जो आपको बाज़ार से मंगाना पड़े। आज की जो रेसिपी थी उसमें कोई ऐसा सामान नहीं था जो बाज़ार से मंगाना पड़े, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, बेसन, ये भुना हुआ, ये जीरा पिसा हुआ, नमक, मिर्च, ये इंसान सबके घर में होता है, बस हाँ कल ही पनीर लाना पड़ता है। तो अब इतना पता होता पनीर बनाना है तो बंदा दूध लेने जाता है तो पनीर भी ले आता है, बस पनीर ही लाना पड़ा, बाकी सब कुछ घर में था। तो आपको कैसी लगी रेसिपी और हमारी जोड़ी कैसी लगी, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, ताकि हम आगे भी आपको अच्छी अच्छी रेसिपी आसान आसान सी दे सके। अब चीना की शादी होने वाली है, तो चीना ने देखो आज ये सीखी, कल कुछ और सीखेगी, चलो आपको दिखाने के बहाने ही कुछ ना कुछ चीना भी सीख जाएगी, और बच्चे भी हैं जो बेचारे जिनको कुछ नहीं आता तो वो भी सीख जाएंगे। मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।